हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज, नीरज विश्वकर्मा। आज एक बार हम आपके साथ फिर लाइव हैं और सेम हमारे साथ आज हमारा टॉपिक वही है कि ल्यूमिक्स कैमरे और उसकी अलग अलग रेंज। आज हम सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे आनंद जी विश्वकर्मा जी का, हमारे साथ हैं आनंद जी विश्वकर्मा अनुभव सेल्स इंदौर से। तो कैसे हैं आनंद भैया? बस एकदम बढ़िया नीरज भाई, सभी लोगों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार नीरज भाई। बिल्कुल बिल्कुल आनंद भैया, आपको भी सादर नमस्कार। वैसे आज मैं आनंद भाई को स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक था, हम जिसके हमारे जो गेस्ट थे वो प्रदीप बहरानी जी थे, जो ग्वालियर से हैं, बट उनके स्वास्थ्य की कुछ समस्या होने के कारण वो हमारे साथ नहीं आ पाए। तो स्पेशल थैंक्स टू आनंद भैया कि जो उन्होंने हमें अपना ये कीमती समय दिया। तो निसंदेह आज हम थोड़ा सा जो टॉपिक रखेंगे वो ग्वालियर को लेकर के थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि ग्वालियर का एरिया कैसा है, क्योंकि आनंद भैया ने थोड़ा सा घूमा हुआ है ग्वालियर, तो आनंद भैया आई थिंक बहुत अच्छे से जानते हैं आनंद भैया ग्वालियर जी। को। नीरज भैया, नीरज भैया, मैंने काफी बार गया हुआ ग्वालियर। जी जी बहुत खूबसूरत शहर है जी जी और जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं कि ग्वालियर तो राजा महाराजाओं का शहर है बिल्कुल और इसी तरह के वहाँ लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत मजा आता है जब मैं कभी वहाँ जाता हूँ, तो बहुत मजा आता है। डेफिनेटली ग्वालियर किलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर बहुत पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, जो निसंदेह रॉयल फैमिलीज भी हैं वहाँ पर, जी 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 और डेफिनेटली वहाँ और फोटोग्राफी इंडस्ट्री भी बहुत खूबसूरत है वहाँ पर, क्योंकि फोर्ट के कारण मुझे लगता है कि म्यूजिक एल्बम्स और नेचर फोटोग्राफी ये सब चीज़ें बहुत कुछ होता होगा। बिल्कुल, प्री वेडिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं वहाँ पे। ग्वालियर अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज सा है, सब कुछ है, समझ लो उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। बिल्कुल प्राकृतिक बिल्कुल सुंदरता, राजा राजवाड़ों का जी 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 शहर, जी जी इतिहास, सब कुछ, मतलब बहुत खूबसूरत। तो आनंद भैया, एक्चुअली मैं इतने दिन से सेशन कर रहा हूँ, तो लगातार मुझे एक चीज बार बार मेरे पास सवाल आए कि कैमरों की रेंज और ल्यूमिक्स की अवेलेबिलिटी, तो वो बहुत बड़ा सवाल होता है कि किस किस टाइप के और कौन कौन से मॉडल उपलब्ध हैं जो लोगों की ज़रूरतों में या लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप, या बिल्कुल आवश्यकता के साथ साथ प्राइस भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा ल्यूमिक्स का जो फ्लैगशिप और सुपर मॉडल है, ल्यूमिक्स S1H। एच तो निसंदेह जितने प्रोफेशनल्स फोटोग्राफर्स हैं जो हाई क्वालिटी पे वर्क करना चाहते हैं, ल्यूमिक्स उनके लिए कहीं ना कहीं एक बेहतरीन माइलस्टोन बनने वाला है, जो उनके काम को बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से दिखाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में अभी जो फिलहाल इस वक्त है, ये है ल्यूमिक्स S1H। और इसकी खूबसूरती की बात करूँ मैं, अगर डिज़ाइन की बात करूँ, तो निसंदेह बहुत ही खूबसूरत है। और इसको जो डिज़ाइन किया है, हर बार मैं बात करता हूँ, जो मुझे इसका सबसे अच्छी चीज़ें लगती हैं वो है इसकी एरिकुलेटेड स्क्रीन। एरिकुलेटेड स्क्रीन तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं हर एंगल से कैमरे को यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। प्रोफेशनल कैमरे में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब हम इसको गिम्बल जैसी चीज़ पर यूज़ करते हैं, तो एक समस्या ये आती है कि इसकी स्क्रीन एरिकुलेटेड होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन्होंने टिल्टिंग स्क्रीन का भी उपयोग किया है, और S1H को जो स्पेशल बनाता है आनंद भैया, वो है इसका नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड होना। बिल्कुल नहीं रज भाई, तो आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स अगर किसी चीज़ को अप्रूव करता है तो उसके पीछे कई पैरामीटर हैं, कि पहली चीज़ ये 6K सिनेमा क्वालिटी वीडियो आपको प्रोवाइड करता है, और साथ ही इसकी जो डायनेमिक रेंज है वो इस रेंज में पहला कैमरा है जिसकी डायनेमिक रेंज +14 है। तो निसंदेह एक खूबसूरत सा कैमरा और बेहतरीन अनुभव। जितने प्रोफेशनल्स हैं जो चाहे वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हों, या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हों, या म्यूजिक एल्बम सब कार्य कर रहे हों, जैसे हम अगर देखें आनंद भैया, पंजाब में इतने म्यूजिक एल्बम्स बन रहे हैं, उनकी कलर्स देख पा रहे कितने खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल, तो निसंदेह वहाँ पर कहीं ना कहीं ल्यूमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो पंजाब पंजाब में ल्यूमिक्स तो बहुत समझते हैं लोग, जानते हैं और बहुत यूज़ भी करते हैं।
डेफिनेटली और बहुत पॉपुलर ब्रांड है पंजाब में लूमिक्स। जी। तो अगर साउथ की बात करूं या मुंबई की बात करूं, तो इन जगहों पर जहां पर लोग टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, नो डाउट, और एमपी भी इस कड़ी में पीछे नहीं हट रहा है। एमपी के लोग भी बिल्कुल अब बहुत अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि निसंदेह अब उनको कंपेयर करना आ चुका है रणबीर, एक ब्रांड बिल्कुल से बिल्कुल दूसरे ब्रांड में, या उनकी ज़रूरतों को कौन सा ब्रांड फुलफिल कर रहा है। तो बिल्कुल वो सारी चीज़ों को फोकस कर ही रहे हैं। हमारे साथ आनंद भैया जुड़ चुके हैं, संजय मालवीय जी, दीपक रजक जी, हमारे धीरज भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग का स्वागत है। और इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो लुमिक्स S1H सिर्फ वीडियो या सिनेमाटोग्राफी के अलावा ये फोटोग्राफी के लिए भी उतना ही खूबसूरत कैमरा है। बिल्कुल बिल्कुल ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा है और 24 मेगापिक्सल एक वेडिंग फोटोग्राफी या इवेंट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही सफिशियंट होता है। तो निसंदेह हाई क्वालिटी इमेजेस, हाई परफॉर्मेंस, हाई फोकस स्पीड और हायर एक्यूरेसी, एनिमल डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें इसको अपने आप में खूबसूरत बनाती है। और बिल्कुल साथ ही अगर मैं इसकी बैटरी बैकअप की बात करूं, तो हमने पहले भी देखा है कि जो और फुल फ्रेम कैमरे हैं, किसी में भी 1800 2000 mAh से ज़्यादा की बैटरी नहीं मिलती है। और नो डाउट मिररलेस कैमरे थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कंपेरिजन टू DSLR कैमरे के। तो ल्यूमिक्स ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा और उन्होंने इसकी बैटरी का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा रखा, जो ऑलमोस्ट 3050 mAh की बैटरी इनके कैमरों के साथ आ जाती है। तो जिससे फोटोग्राफर्स को या सिनेमाटोग्राफर्स को बैटरी बैकअप से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता। और अच्छी चीज़ ये है कि ये कैमरे पावर बैंक से भी आपके ऑपरेट हो जाते हैं। ऑपरेट हो जाते हैं, तो वो भी असुविधा नहीं होनी है कि एक्स्ट्रा बैक अनवांटेड आपको बहुत सारी बैटरी कैरी नहीं करनी है, आपके मोबाइल के पावर बैंक से ही आपका काम हो जाना है। तो डेफिनेटली अच्छी चीज़। और इसी के क्रम में अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, तो अगला जो कैमरा है S1R, इन्होंने इस कैमरे को डिज़ाइन किया है हाई रेजोल्यूशन कैमरे में, जो कि 48 मेगापिक्सल का है। और 48 मेगापिक्सल होने के साथ साथ ही अगर मैं इसको हाई रेजोल्यूशन मोड पर जाता हूँ तो ये 187 मेगापिक्सल का हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स के लिए काम करते हैं या जिन्हें क्वालिटी से बहुत प्यार है, जो कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि हमें फ़ोटोज़ को क्रॉप करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें हमें ल्यूमिक्स S1R में मिल जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि ल्यूमिक्स S1H और S1 में 24 मेगापिक्सल होने की वजह से आपको रेजोल्यूशन से जुड़ा हुआ कोई इशू आएगा। ये भी अगर हाई रेजोल्यूशन मोड पर जाते हैं तो दोनों कैमरे S1H और S1 ये 97 मेगापिक्सल का आपको आउटपुट दे देता दे है। सकते बिल्कुल, तो उसकी वजह से आपकी पिक्चर क्वालिटी से कोई कंप्रो नहीं होता। तो इसी क्रम में और मैं बात करना चाहूँगा S1 में, और इन सभी कैमरों में एक और अच्छी चीज़ है कि इनका जो स्टेबलाइजर है वो बहुत ही परफेक्ट और 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजर इनबिल्ट आपको कैमरों के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से वो सारे फोटोग्राफर्स या वो सारे सिनेमाटोग्राफर्स जिनको स्टेबलाइज करने में बड़ी दिक्कत आती है, या जो रनिंग शॉट बनाना चाहते हैं, पैनिंग शॉट बनाना चाहते हैं, अक्सर उनके शॉट कैसे होते हैं, जर्की शॉट होते हैं या अदर इश्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली निसंदेह ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो ही जाता है। तो नीरज भाई एक चीज पूछ रहा था, ये जो 187 मेगापिक्सल आपने बताया, तो जी ये इसको इतने मेगापिक्सल पे शूट करने के लिए कुछ स्पेशल मोड होगा क्या? मतलब कैसे कर सकते हैं इसको अपन? इसके लिए थोड़ी सी शर्तें हैं आनंद भैया, कि कैमरे को ट्राइपॉड या फिक्स जगह पर रखना होगा, और उसके बाद इसमें जो ऑप्शन है हाई रेजोल्यूशन मोड का उसको जाकर इनेबल करना पड़ेगा, अच्छा, उसके बाद ही आप इसको तो यूज कर मैंने सुना पाएंगे। था कि अगर रॉ फाइल करते हैं तो भी हो सकता है, ऐसा है क्या इसमें पॉसिबल? रॉ तो बिल्कुल शूट करता ही है, रॉ एक अलग बात हो गई, लेकिन हाई अच्छा रेजोल्यूशन मोड एक अलग बात हो गई। अलग मोड, अच्छा 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 बिल्कुल, रॉ और जेपैक के अपने अपने महत्व हैं, अपने अपने रोल हैं।
अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि अगर मैं रॉ पर शूट करता हूँ जी और जब मैं हायर डायनेमिक रेंज पर जाता हूँ, तो आप जी कुछ इमेज देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर कि जिसको मैंने शूट किया था ऑलमोस्ट S1R से 24-105 लेंस से, और इसका बैकग्राउंड आप देख पा रहे होंगे इस इमेज का, कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड लाइट है, बैकग्राउंड पूरा लाइट है, और जो मेरा सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा डार्क है। मैंने इसे रॉ पर शूट किया और डायनेमिक रेंज इसका इतना खूबसूरत मिला कि जब मैंने इसे पोस्ट प्रोसेस किया तो मेरी सारी डिटेल मेरे पास आ जाती है, जिस वजह से निसंदेह ये सारी चीज़ें इस कैमरे को यूनिक बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मैंने ऐसा सुना नीरज भाई, इसका व्यू फाइंडर भी अपने आप में एक डिफरेंट कैटेगरी का है, जो कि दूसरे मिररलेस कैमरों से बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल अनंत भाई, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो DSLR यूजर हैं, जब वो मिररलेस कैमरों पर आते हैं तो उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि जितने भी मिररलेस कैमरे हैं इनमें व्यू फाइंडर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर पे जितने अच्छे पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी हमें विजिबिलिटी होगी। ल्यूमिक्स ने नो डाउट व्यू फाइंडर को इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया है इतने हाई रेजोल्यूशन के साथ कि DSLR यूजर को पता ही नहीं चलता है कि वो मिररलेस यूज़ कर रहा है या कि DSLR, तो उसको फीलिंग बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत रहती है उसकी। अभी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही है फोटोग्राफर्स के सामने कि वो अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि मिररलेस और DSLR जब वो लोग यूज करते रहे, DSLR काफी लंबे समय से और अब मिररलेस आ गए काफी कॉम्पैक्ट, तो उनको फील में एक कंफर्टेबल जो एक फील आना चाहिए, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही लोगों को, तो ये एक चैलेंज है जो उसको लुमेक्स शायद H1 पूरा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पैनासोनिक एक चीज़ तो मैंने देखा है आनंद भाई कि पैनासोनिक स्टाइलिंग को लेकर के और फीलिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है, तो बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने इसका साइज़ इतना परफेक्ट रखा हुआ है कि ये अपने आप में किसी भी DSLR यूज़र को ऐसी कोई फीलिंग नहीं आने देगा कि उन्होंने अपना हाथ किसी अदर चीज़ों पर रखा हुआ है। डेफिनेटली वो साइज़ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया, ना तो बहुत हैवी और बल्की किया और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट रखा, और जो लोग लाइट कैमरे यूज़ करना चाहते हैं लाइट वेट में, उनके लिए इनकी जो सीरीज़ है GH सीरीज, अगर मैं उसकी बात करूँ तो बेहतरीन कैमरे वो भी सारे हैं, कॉम्पैक्ट में भी लाइट वेट में भी, बट जो बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि वो सारी चीज़ें प्रॉपर इनको मिले। बिल्कुल। और ये अभी काफी कैमरे हम लोगों ने सेल किए हैं, वैसे S1, S1R, S1H, और मार्केट में जिन लोगों को दिए हैं उनके रिव्यू भी काफी अच्छे हैं, उनको तो काफी मजा आ रहा है काम करने में इनमें। बिल्कुल, आई थिंक अगर लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत लोगों का डेटा और बहुत सारे लोग आज हमारे साथ सामने होते कि बिल्कुल विद बिल्कुल डेटा कि उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों पर अच्छे इंटरनेट या हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिल पाने की वजह से डेटा हमें हमसे शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या ये भी रही है। निसंदेह लॉकडाउन के बाद ल्यूमिक्स एक अलग लेवल पर ही जाके अपना काम करने वाला है, क्योंकि बिल्कुल ल्यूमिक्स ने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि जो यूजर है उसको कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही थी और वो उनको कैसे कैसे रिजॉल्व कर सकता है। बिल्कुल इसी क्रम में अगर मैं थोड़ा सा आगे बढूं तो कुछ ऐसे यूजर भी हैं जो लाइट वेट कैमरों पे काम करना चाहते हैं, जिनको वजन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ढोना चाहते, बिल्कुल तो उनके लिए भी ल्यूमिक्स में जो GH सीरीज है इनकी, जैसे मैं GH5 की बात करूं या GH5S की बात करूं, तो यहाँ पर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए बगैर आपको 4K वीडियो 10 बिट पर और बेहतरीन स्टेबलाइजर के साथ GH5S और GH5 कैमरे उपलब्ध हैं, और निसंदेह प्रोफेशनल क्वालिटी। और इन कैमरों के साथ अच्छी चीज़ ये है आनंद भैया कि इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया इन्होंने,
इतना बिल्कुल किया कि हैंडी रहे, जिसमें हाथ में पकड़ने में ग्रिपिंग आए। और स्पेशली मैं सजेशन दूंगा ये सारे कैमरे जो प्रोफेशनल सिनेमा पे शूट करना चाहते हैं, कम बजट पर काम करना चाहते हैं, निसंदेह 4K एनामॉर्फिक स्टेबलाइजर और इनबिल्ट फिल्टर्स के साथ, तो लुमिक्स GH5 और GH5S उनकी ज़रूरतों को बिल्कुल पूरा करेंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि इनमें बहुत सारे लेंसेस की रेंज उपलब्ध है, जो बिल्कुल मैंने देखा 8 mm से लेकर के आपको 400 mm तक के लेंस मिल जाते हैं इजी अवेलेबल। दामों में, फिक्स लेंसेस। और अच्छी चीज़ ये है कि इसके बहुत सारे लेंस जो है वो लाइका के हैं, जिसकी वजह से निसंदेह इसकी क्वालिटी पर, शार्पनेस और डिटेलिंग पर संदेह करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो जो विश्वसनीयता है लोगों की, क्योंकि पैनासोनिक का अगर मैं पास्ट देखूं तो पैनासोनिक निसंदेह आनंद भाई वीडियो कैमरों में किंग रहा है, क्योंकि आज भी पैनासोनिक के वीडियो कैमरे अपनी जगह बना करके रखे हुए हैं। बिल्कुल, और आने वाले समय में लूमिक्स जो कैटेगरी है इसमें शायद मिररलेस में भी किंग बन सकता है पैनासोनिक, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि निसंदेह इनके पास लाइनअप जबरदस्त है। और अभी एक चैलेंज था, मिररलेस कैमरा इन्होंने फुल फ्रेम लॉन्च किया, तो इनके लेंस मार्केट में यूजर्स जो है फोटोग्राफर्स जी, उनके पास लेंस उपलब्ध नहीं थे, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि लूमिक्स नया ब्रांड था, नया माउंट लेके आया, एल माउंट के साथ आया, तो उसके लिए भी इन्होंने काफी सारी तैयारी की हुई है कि जो दूसरे लेंसेज हैं लोगों के पास, जी, तो उस तरह से भी उसमें भी नीरज भाई कुछ प्रकाश डालिए आप कि किस तरह से लोग। ल्यूमिक्स ने नो डाउट इस चीज़ को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग ब्रांड के कैमरे हैं, और वो लोग चाहते हैं सिर्फ बॉडी लेना और लेंसेस अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड के लेंसेस ही यूज़ करना। तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिग्मा के एडाप्टर, सिग्मा स्पेशली एल माउंट के लेंस तो बनाते ही है आनंद भाई, सिग्मा के अलावा लाइका के भी एल माउंट लेंसेस मिलेंगे, लेकिन उसके साथ ही जो लोगों के पास एग्जिस्टिंग ब्रांड है सिग्मा के एडाप्टर उपलब्ध हैं। जैसे किसी अदर ब्रांड के कैमरे एल माउंट में आप बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे साथ आनंद भैया जुड़े हुए हैं विवेक मुदगिल जी, जो डायरेक्टर हैं, डेफिनेटली वो लिखना चाहते हैं S1H के लिए, उन्होंने लिखा है कि आई लव टू बाय S1H। तो थैंक यू विवेक भाई कि आप S1H यूजर हैं, और बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे S सीरीज़ के यूजर हैं और ल्यूमिक्स यूजर हैं उनको भी हम अपने साथ में लाने की, क्योंकि जो एक्चुअल फीडबैक आप लोगों का मिलेगा वो लोगों को उत्साहित करेगा और वास्तविकता बताएगा कि कितना परफेक्ट और कितना हेल्पफुल कैमरा है, और जो हमारी ज़रूरतों को, या कहा जाए इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो राजन भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजन भट्टाचार्य जी जहाँ तक गुवाहाटी से हैं आनंद भाई, अच्छा अच्छा और नमस्कार सर। ये GH5 के यूजर हैं, और अच्छा निसंदेह कि हम इनसे प्रयास करेंगे कि इनसे भी इनका कुछ डेटा लेने की जो हम अपने लोगों को दिखा सकें, और हम कोशिश बिल्कुल करेंगे कि वो डेटा पहले आप अपने फेसबुक या सोशल मीडिया वॉल पर शेयर करें और फिर हमें दें, तो बिल्कुल बिल्कुल लोगों की सत्यता पर भी एक हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन होगा। जी 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 तो हम बात कर रहे थे आनंद भाई GH5 और GH5S की, तो स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं या वो फोटोग्राफर्स जो नेचर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बिल्कुल वहाँ पर भी वीडियो जो करना चाहते हैं, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बस्ट मोड इसका, जो 4K फोटो 30 फ्रेम पर आप पर सेकेंड क्लिक कर सकते कर हैं, सकता है। और GH5 से आप 6K फोटोज़ भी निकाल सकते हैं। तो निसंदेह बस्ट मोड आपको इतना खूबसूरत मिल जाता है कि आपके लिए कोई भी आपका खूबसूरत मोमेंट मिस नहीं होने देगा, क्योंकि अदर में मिररलेस सॉरी DSLR कैमरों की अगर बात करूं तो उसमें मैक्सिमम 6, 8 या 18 फ्रेम से ज़्यादा नहीं मिल पाया अभी तक जो हायर एंड DSLR है, क्योंकि उस पे जी जो मैकेनिकल शटर है उसको अप डाउन होने में टाइम तो लगता लगता ही है, लगता है। तो हम लूमेक्स पे ये भी कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ में तो जो परफॉर्मेंस लूमेक्स का रहेगा शायद किसी भी ब्रांड में नहीं होगा,
कितने FPS तक जाते हैं हम लोग लूमैक्स पर सर, लूमिक्स में सिक्स के या अगर फोर के में? 4K 6K पे बात करूँ तो 30 फ्रेम होगा, और 4K पे बात करें तो ऑलमोस्ट 60 फ्रेम मिल जाता है। तो निसंदेह इतना फास्ट होना, और सबसे अच्छी चीज़ आनंद भाई ये है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए जो 100-400 लेंस है बिल्कुल वो माइक्रो फोर थर्ड सेंसर होने की वजह से वो 200-800 में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 200-400 का लेंस अदर ब्रांड पे जाएंगे तो 5 लाख 6 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। और अगर ल्यूमिक्स की बात करें तो प्राइस तो आई थिंक हमारे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर ही बता पाएंगे कि एक बहुत खूबसूरत प्राइस जो बहुत कम रेंज में होगा। प्राइस का कुछ आइडिया दे सकते हैं क्या भी? इसका 100-400 लेंस कितने का होगा? 100-400 लेंस तो काफी सस्ता है, 1,35,000 MRP है इसकी, ओहो, मतलब बहुत वो अच्छा था, रिटेलर्स एक अच्छी डील लोगों को दे दे सकते हैं। सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। निसंदेह आनंद भाई कि अभी जो लॉकडाउन का समय है इस समय बहुत सारे लोग घरों में बोर हो रहे हैं, और बिल्कुल मैं थोड़ा सा कम ही बोर हुआ अदर लोगों की तुलना में, क्योंकि मेरे साथ मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड ल्यूमिक्स था, ल्यूमिक्स जी है, जी और हमारे व्यूवर्स जिनके लिए मैंने बहुत कुछ घर पे बैठे बैठे टाइम पास, घर में अगर कुछ भी बना तो उसकी थोड़ी सी फोटोग्राफी करने का मूड तो हो ही जाता है। और ये समय बिल्कुल रहा तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मैंने पोहे की फोटो शेयर की हुई है, और इस फोटो को क्लिक करने के लिए मुझे किसी स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मैंने S1R से 24-105 जो लेंस है उसका ही यूज किया। अभी हमारे साथ जुड़े हैं आनंद भैया विजय मेलानी जी। हेलो विजय मेलानी जी, कैसे हैं? नमस्कार विजय भाई। तो मैंने आनंद भाई इस पिक्चर को सिर्फ 24-105 जैसे लेंस से क्लिक किया, और इस लेंस की सबसे अच्छी चीज ये है कि ये लेंस नॉर्मल 24-105 से बहुत ही अलग है। इसको जो अलग बनाने वाला फीचर है वो है इसका मैक्रो। इसका जो मैक्रो है वो बहुत ही खूबसूरत है, ऑलमोस्ट मैं 2 इंच के आसपास जाके इसको प्रॉपर फोकस कर पाता हूँ अपने सब्जेक्ट को। तो मैंने इससे कुछ कुछ मैक्रो शॉट भी किए हुए हैं, और वो भी मैं चाहूँगा मैं अपने दर्शकों से शेयर करूँ। मैंने पहले भी शेयर किया है, जैसे ये बटरफ्लाई है, इंसेक्ट है, और ये फ्लावर्स हैं। तो हमने फ्री टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। तो बिल्कुल विवेक मुदगिल जी कहना चाह रहे हैं, हाँ S1H में ये बात सही है विवेक भाई कि 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड पर मुझे S1H पर बिल्कुल मिल जाता है, और मैं 6K पर जाऊँ तो 24 और 30 फ्रेम मुझे 6K मिल जाता है, और फुल HD पर बात करूँ तो फुल HD में VFR HFR ये सारी चीज़ें, मतलब सारे मोड पर VFR HFR मिल ही जाएगा आपको, जहाँ पर आप 180 फ्रेम तक शूट कर सकते हैं। स्लोमो बहुत बढ़िया है। स्लो मो बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल विवेक जी ने बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ है और बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो थैंक यू विवेक जी कि, और निसंदेह हमें आप जैसे लोग की या आप जैसे लोग के डेटा की सख्त जरूरत होगी ही होगी। तो इसी क्रम में आनंद भाई और आगे बढ़ते हैं, जो हमारे कई सारे यूजर थे कि वाइल्ड लाइफ के अलावा बजट भी कई बार मैटर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास या हर एरिया में बजट का बहुत बड़ा मैटर होता है। तो अगर मैं बजट फोटोग्राफी की बात करूं तो G95 और G85 दोनों ही बहुत खूबसूरत कैमरे और बहुत सा अच्छे से लेंसेज के साथ जो बिल्कुल उपलब्ध हैं। आई थिंक 12-60 इसका जो लेंस है 2.8 है, और 14-140 लेंस वो भी F4 के साथ उपलब्ध है, जो अब 3.5 to 5.6 होगा। तो डेफिनेटली ये लेंसेस भी बहुत खूबसूरत हैं जो कम बजट पे काम करना चाहते हैं, स्पेशली जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए तो रियली ये कैमरे और ये लेंसेस बहुत ही खूबसूरत। अच्छी चीज़ ये है कि इनका साइज़
बहुत ही खूबसूरत है। और लेंसेज का डायामीटर की अगर मैं बात करूं आनंद भाई, तो 58 mm का डायामीटर इसके साथ मिल जाता है। बिल्कुल तो जिससे बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिट क्या मिलता है कि कॉम्पैक्ट कैमरे, मतलब हिंदी की एक कहावत कहती है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। हाँ। तो बिल्कुल ये इनके साइज पर बिल्कुल ना जाए, और ये प्रोफेशनल क्वालिटी। तो स्पेशली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम यूजर हैं या बिल्कुल जो सिनेमेटिक या प्रोफेशनल क्वालिटी फोटोज चाहते हैं मिररलेस कैमरों में, तो उनके लिए G85 और G95 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नीरज भाई, और इसका एक एंट्री लेवल मॉडल है G7 भी है, ओके तो ओके वो ओके और काफी चीफर हो जाता है, तो वो बजट का तो मतलब पैनासोनिक लुमिक्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। पैनासोनिक ने हर बजट में हर तरह के फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स और इनके लिए कैमरे बनाए हुए हैं, ग्रेट ग्रेट तो जिसका जैसा यूज हो उस तरह से वो कैमरे बाय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के क्रम में अगर मैं एक मॉडल और भी मैंने देखा था आनंद भाई, FZ1002 करके कुछ मॉडल है, बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत ही खूबसूरत लगा। स्पेशली जब कभी आप कुछ लोग जो ट्रेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं या बिल्कुल रिपोर्टर्स हैं जिनको बार बार लेंसेज चेंज करने का समय नहीं होता, तो वो बिल्कुल 16x जूम के साथ जी जी अवेलेबल है कि बार बार आपको ये सब चीज़ों से झंझट से मुक्ति मिलेगी। और अच्छी चीज़ ये है कि मैंने देखा है कि अदर ब्रांड में जो कॉम्पैक्ट कैमरे हैं उनका सेंसर साइज बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल और जैसे ही 1 इंच सेंसर में आते हैं तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन पैनासोनिक ने आई डोंट नो कैसे किया कि ये लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत प्राइस में और बिना क्वालिटी को कंप्रोमाइज करते हुए 4K वीडियो के साथ साथ ही स्लो मोशन, हाई स्पीड जूम, स्लो जूम, ये सारी चीज़ों के साथ आपको FZ1002 भी अवेलेबल कराता है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि उसका अपर्चर 2.8 है, बिल्कुल बिल्कुल ओप जिसकी वजह से बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। ब्लर कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल लोगों को डेप्थ ऑफ फील्ड का भी मजा मिल सकता है कॉम्पैक्ट कैमरे में। बिल्कुल बिल्कुल अक्सर लोग और चाहते हैं। जी आनंद भैया, इस प्राइस में ये फैमिली फोटोग्राफी के भी काम आ सकता है कैमरा, और इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक प्रोफेशनल कैमरे में हो सकती हैं, तो लोग इसको अपने फैमिली फोटोग्राफी के लिए भी चूज कर सकते हैं, उसमें भी रख सकते हैं, और इसमें बहुत इजी है काम करना, शूट करना, वीडियो शूट करना, फोटो शूट करना सही बात है। और वाइल्ड लाइफ करना भी इवन आप कर सकते हैं आसानी से, भाई बिल्कुल कोई बिल्कुल समस्या नहीं। मीन्स ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा होगा जो लोग ट्रैवलिंग पर रहते हैं, लेकिन वो DSLR या डिजिटल लेंस, जो कैमरे हमारे आते हैं डिजिटल लेंस मिररलेस कैमरे जिनमें लेंस चेंजेबल का इशू आता है, जी उनके लिए ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कैमरा होगा कि इन सब चीज़ों से उन्हें सुविधा देगा। हमारे साथ राजकमल भैया जुड़ चुके हैं। राजकमल भैया नमस्कार। तो और डेफिनेटली जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते लेकिन फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो निसंदेह FZ1002 के अलावा एक और भी इसका कोई अपर मॉडल है 2500। FZ2500 नीरज भाई, जी, तो निसंदेह वो भी एक बेहतरीन मॉडल होगा। इस कैमरे पे भी 4K मिल जाएगा, और 4K के साथ साथ पोस्ट फोकस, फोकस स्टैकिंग, और 4K वीडियो 30 फ्रेम पर भी मिल जाएगा। और साथ ही इनमें सबसे अच्छी चीज़ जो मिलती है आनंद भैया, कि बिगनर्स के लिए अगर वो वीडियो बना रहे हैं तो उनका बिल्कुल कैमरा हैंडशेक बहुत करता है, बिल्कुल स्टेबलाइजर इसका बहुत तो अच्छा इसका हुआ है इस। स्टेबलाइजर बहुत ही खूबसूरत है। और अच्छी चीज़ तो ये है आनंद भैया कि इसका फोकस बहुत ही फास्ट है, बिल्कुल आई थिंक वर्ल्ड के फास्टेस्ट फोकस कॉम्पैक्ट कैमरे की सीरीज में होगा, क्योंकि 0.09 सेकेंड में ये कैमरा अपने सब्जेक्ट को फोकस कर लेता कर है। लेता है, तो जो भी खूबसूरत और प्रीसियस मोमेंट होंगे वो सारे बिना कंप्रोमाइज के। और तो और मैंने ये देखा है कई जगह से मुझे जो बातें पता चली कि इससे लोग पूरा का पूरा सीरीज शूट कर डाली, वेब सीरीज शूट कर डाली। वेब सीरीज, और शायद इससे काफी सारे एल्बम्स भी बने हुए हैं। बिल्कुल, मेरे एक मित्र हैं राज गुजर,
जो डीओपी है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, उन्होंने किसी एक सीरियल की शूटिंग और एड शूट पर भी FZ2500 का यूज किया है। बिल्कुल तो निसंदेह कि ये छोटा सा कैमरा लगेगा, बट क्वालिटी से कहीं पर भी पैनासोनिक ने कंप्रोमाइज नहीं किया है। अब हर व्यक्ति कम समय में बहुत ही खूबसूरत शॉट ले ले सकता है। सकता हूँ। बिल्कुल। और तो नीरज जब भाई ये तो मल्टीपल कैमरा हो गया, इसमें आप वाइल्ड लाइफ कर लो, एल्बम शूट कर लो, फोटोग्राफी कर लो, फैमिली फोटोग्राफी कर लो, मीडिया का भी आप काम कर सकते हैं इसमें। मतलब बिल्कुल इसमें क्या नहीं कर सकते, मेरे को मेरे हिसाब से तो पूरा पैकेज है कैमरा FZ2500 जी जिसको जी कहेंगे, जी जी इसमें जी सब कुछ है, लगभग सब कुछ है, सिर्फ लेंस निकाल के चेंज नहीं कर सकते। बाकी अरे सेंसर भी इसका 1 इंच सेंसर है। उसी की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है ना आनंद भाई, कि अगर पिक्चर को मुझे इनलार्जमेंट भी बनाना है तो जी, बिना किसी कंप्रोमाइज के मैं इनलार्जमेंट भी इसका कर सकता बना हूँ। सकता हूँ बिल्कुल। बिल्कुल। और साथ ही मैंने एक चीज देखा कि G85 वैसा जो मॉडल है, इनका बर्स्ट मोड बहुत ही खूबसूरत है, अल्टीमेट कम प्राइस पर, और 5 स्टॉप तक हम शटर स्पीड को स्लो कर सकते हैं। बिल्कुल तो डेफिनेटली ये जो नए लोग हैं, नए यूजर हैं, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत कैमरा मिलेगा। अगर और साथ ही इसकी प्राइजिंग अगर अदर से तुलना करें तो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जितना पैसा आप सेव करेंगे उसको आप अदर लेंसेस पर इन्वेस्ट कर सकते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल। तो आप अच्छी रेंज बना सकते हैं। और ऑलमोस्ट अगर मैं इसके GH5 की बात करूं तो GH5 तो एक ऐसा कैमरा है आनंद भाई कि बहुत सारे अवार्ड्स लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो DP रिव्यू का अवार्ड उसके पास है, TIPA अवार्ड है इनके पास, और इतने सारे अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी है, इसको बोल पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और एक चीज़, सबसे बेहतर चीज़ जो मुझे इसमें लगती है आनंद भाई ल्यूमिक्स की, वो मैं भले चाहे FZ2500 की बात करूं या S1H की, इनके कलर्स बहुत ही नेचुरल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और अच्छी चीज़ कि जो लोग सोशल मीडिया एडिक्टिव हैं, क्योंकि आज का समय जो है, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है वो अपने अपनों के साथ शेयर करना चाहता है, तो बिल्कुल उस चीज़ के लिए इसमें फिल्टर्स मिल जाते हैं कि बिना एडिटिंग के हम अच्छी पिक्चर्स और अलग अलग फिल्टर्स के साथ शूट करके शेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल निसंदेह बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जो अदर कैमरों में या अदर ब्रांड्स में या नए यूजर को मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और GH5S को अगर मैं देखूं आनंद भाई, हाँ GH5S की सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इसमें 240 फ्रेम पर सेकंड तक आप शूट कर सकते हैं। तो इमेजिन ओह कीजिए, 240 पर सेकंड पर जिसको शूट किया गया होगा वो कितना स्लो हो जाएगा। और साथ ही इसमें वीलॉग जैसी चीज, जो सिनेमा हाई क्वालिटी प्रोफेशनल क्वालिटी सिनेमाटोग्राफर या फोटोग्राफर्स हैं, वो वीलॉग इसमें इनबिल्ट मिलेगा, आपको अलग से अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं नहीं है। है बिल्कुल बिल्कुल। और इसका प्रोसेसर बहुत ही फास्ट है। अगर मैं इसके डायनेमिक रेंज की बात करूं तो वो बहुत ही खूबसूरत है, 4K पर आप 60 फ्रेम पर सेकंड शूट कर सकते हैं। तो निसंदेह ये कम बजट पे और बहुत हाई क्वालिटी, और क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ तो ल्यूमिक्स को शायद करना नहीं ही आता है। हमारे साथ राहुल बिल्कुल कुमार पटेल जी भी जुड़े हुए हैं, नमस्कार राहुल कुमार पटेल भाई, और धीरज भैया कंटिन्यू हमारे साथ लगे हुए हैं। और इस नीरज भाई, जी इसमें लूमेक्स में एक चीज और है कि जी बाकी मिररलेस में आपका जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग 28 मिनट के बाद रुक जाती है, हाँ, बिल्कुल लेकिन लूमेक्स में शायद ऐसा है कि कोई भी रिकॉर्डिंग आपका जब तक कार्ड और बैटरी है जी, इसको कंटिन्यू आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यही ये फीचर भी इसको बहुत ही स्पेशल बनाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो लाइव सेशन करते हैं, जैसे मैं ही अभी जो लाइव हूँ,
अब पिछले ऑलमोस्ट मुझे 35 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल और मेरे सामने जो कैमरा है वो है GH5। अगर शायद किसी और ब्रांड का कैमरा मैं यूज कर रहा होता तो मेरे लिए एक सबसे बड़ी तकलीफ ये होती कि 30 मिनट के बाद मुझे कैमरे को रिकॉर्डिंग ऑफ रोकना पड़ती करके रुकना अपने आप रुक जाती है। बिल्कुल तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों के लिए ये कैमरे बहुत ही खूबसूरत है। और एक और अच्छी चीज़ आनंद भाई, जो हमारे साथ राजेंद्र भाई जुड़े हुए हैं, राजन भाई अपने रीवा से, नमस्कार। नमस्कार राजन भाई। तो हमने राजन भाई के साथ भी काफ़ी अच्छा सेशन किया और बहुत ही अच्छा रहा। नो डाउट राजन भाई ने जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई जो समस्याएं, आनंद भाई फोटोग्राफर्स की जो जी समस्याएं हैं वो बहुत ही जी खूबसूरत रही हैं। जी तो जी जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं आनंद भाई आशीष सिंह जी। उनका क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है कि लुमिक्स लो लाइट में कैसा होगा। बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा आशीष भाई, इस कैमरे में शायद इकलौता कैमरे हैं लुमिक्स जो ड्यूअल नेटिव ISO के साथ आता है, जिसमें हम लो लाइट पर भी शॉट कर सकते हैं। अभी जो मुझे आप लाइव देख रहे हैं, आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते यहाँ पर कितनी लाइट होगी। सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूब लाइट ऑन है, वो भी वही 30 वाट की जो आती है LED, सिर्फ और सिर्फ वो ऑन है और मैं उस पर सारा का सारा शूट कर रहा हूँ और मैं आपके सामने लाइव हूँ। तो निसंदेह ये लो लाइट पर बहुत फास्ट फोकस, आप मेरा पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, मेरा कैमरा ऑटो फोकस पर डाला हुआ है, मैं आगे पीछे बार बार हो रहा हूँ बट मेरा फोकस कहीं भी आउट नहीं होगा। तो ये थैंक्स टू ल्यूमिक्स की जो इसका ऑटो इंटेलिजेंस है, डेफिनेटली वो बहुत ही खूबसूरत है। तो बिल्कुल आनंद भैया। नीरज भाई, और फोकस में जो लूमिक्स है, तो आपने इसकी स्पीड बता दी, ट्रैकिंग में भी कुछ स्पेशलिटी है क्या इसमें, क्या बाकी कैमरों की तुलना में हमारे पास सारे फीचर्स हैं लूमिक्स में, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल आनंद भाई, सबसे अच्छी चीज़ लुमिक्स में एक चीज़ और है कि मैं अगर देखो GH5 या GH5 जैसे कैमरे में, जी कि एनिमल डिटेक्शन के साथ साथ एक अच्छी चीज़ ये मिल जाती है कि अगर जो लोग पैनिंग शॉट बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सिर्फ कैमरे को स्टैंड पर लगाना है, और स्टैंड पर लगाने के साथ ही आप चाहें तो उसमें पैनिंग शॉट फ्रेम 1 और फ्रेम 2 सेलेक्ट कर दीजिए, कैमरा अपने आप ही करेगा। और जो लोग सिनेमाटोग्राफर्स हैं या जो लोग प्री वेडिंग जैसे शॉट, जो रनिंग शॉट बनाना चाहते हैं, अगर इसको फोकस को कंटिन्यूअस शूट पर मोड पर रखते हैं, और इसमें फोकस मोड को मोड 2 ऑप्शन है जो रनिंग शॉट के लिए या कंटिन्यूअस ट्रैकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, अगर उस पर आते हैं तो निसंदेह आप फोकस को ट्रैकिंग करा सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरती से। तो फोकस के मामले में तो ल्यूमिक्स का अभी तक कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि फोकस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया अभी, चाहे वेडिंग हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो, पहले तो स्पोर्ट्स में ही हुआ करता जी। था, तो हर ब्रांड को टेक्नोलॉजी फोकस पर ज्यादा फोकस करना पड़ रही है। मैं इसके पहले कुछ अदर ब्रांड भी यूज़ कर रहा था आनंद भाई। जी अभी जी मैं रिसेंट लुमिक्स पे जब से आया तो मेरे पास अभी 7200 2.8 जब लेंस आया तो जी जी मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा चैलेंज फोटोग्राफी होती है जो फोकस की, वो होती है बर्ड्स की फ्लाइट के शॉट निकालना। बिल्कुल बिल्कुल वाइल्ड लाइफ और बर्ड को स्काई पर जब वो फ्लाइट कर रहे हो, बैकग्राउंड में हाँ कुछ भी ना हो, सिर्फ वो बर्ड हो, तब इतना प्रिसाइजली फोकस कर लेता है कि नो डाउट कि मेरे पास उसके कुछ शॉट्स हैं जो कोशिश करता हूँ कि मैं उसको शेयर करूँ। आई थिंक वो कैमरे में ही होंगे तो वो अभी शो नहीं करवा पाऊँगा, तो वो भी दिखाऊँगा कि डेफिनेटली फोकस में तो बहुत ही खूबसूरत, फोकस का तो कोई इशू ही नहीं है। तो क्योंकि अभी क्या हुआ था, काफी लोगों ने मिररलेस कैमरे खरीदे, दूसरे ब्रांड के भी खरीदे, तो फोटोग्राफर्स के बीच में चर्चा होती हुई मैंने सुनी कि लोग ऐसा समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, कि जो फोकस हम लोग DSLR पे आसानी से कर पा रहे थे, तो वो फोकस स्पीड हमें मिररलेस पे नहीं मिल रही, जबकि टेक्नोलॉजी मिररलेस की फोकस फास्ट करने के लिए लगभग बहुत कुछ किया हुआ है टेक्नोलॉजी ने।
आनंद भैया जो लोग आपसे ऐसा डिस्कस कर रहे थे ना, वो गलत नहीं थे, क्योंकि जो पुराने मिररलेस कैमरे हैं वो निसंदेह स्लो हैं। उन कैमरों के साथ तो सबसे बड़ी समस्या मैंने जो फेस की, बिल्कुल स्पेशली जो इंडोर फोटोग्राफर्स हैं, स्टूडियो फोटोग्राफर्स, क्योंकि स्टूडियो पर हम मैक्सिमम शॉट करते हैं स्टूडियो लाइट के साथ, बिल्कुल और स्टूडियो लाइट के साथ जैसे ही हम मिररलेस कैमरों पे आते हैं तो हर कैमरे के साथ एक ऑप्शन होता है कंटिन्यूअस व्यू का, व्यू का तो वो जाके ऑन और ऑफ करना पड़ता है। अब वो हैबिट में तो होता नहीं है ये चीज, बार बार हम लोग जब इन सब चीजों को करना चाहते हैं, लेकिन ल्यूमिक्स में सबसे अच्छी चीज ये होती है आनंद भैया कि जैसे ही आपने ट्रिगर ऑन किया, आपका कैमरा ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस व्यू पे आ जाएगा, तो वो अपने आप में खूबसूरत। और मैं इसका फोकस चैलेंजिंग एक कहलाता है, जहां पर बैकलिट पे फोकस करना, बैकग्राउंड अच्छा में लाइट ज्यादा हो और सब्जेक्ट पर कम हो, वहां पर जी जी ल्यूमिक्स को अगर प्रॉपर आप एडजस्ट करते हैं तो जी जी निसंदेह बहुत ही फास्ट फोकस है। आशीष सिंह जी का अगला क्वेश्चन है आनंद भैया, सोनी वर्सेस ल्यूमिक्स इन लो लाइट। आशीष भाई, बहुत ही खूबसूरत रहता ये कंपेयर थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप है एग्जिस्टिंग ब्रांड चला रहे हैं, और ल्यूमिक्स को मैं सजेशन दूंगा कि आपके जो भी नियरेस्ट स्टोर है वहां पर एक बार पहुंचिए और ल्यूमिक्स को ट्राई कीजिए, और स्पेशली ल्यूमिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे डायरेक्ट सवाल कीजिए और उसकी सेटिंग्स को हमसे समझिए, क्योंकि लो लाइट मैंने इतनी लाइट पर शॉट किया है कि जो नाइट लैंप होता है आनंद भैया, मैंने ल्यूमिक्स बिल्कुल से उस पर फोकस किया हुआ है, उस लाइट पर भी, और प्रॉपर फोकस करता है। और तो और मैंने ऑलमोस्ट 50,000 ISOP भी इससे वीडियो शूट किया है। क्या नॉइज आते हैं नो डाउट, बट वो इतने नॉइज है कि एक्सेप्टेड चलेंगे, और तो खूबसूरत लो लाइट पर परफॉर्मेंस बहुत ही अल्टीमेट, लो लाइट पर फोकस बहुत ही खूबसूरत। हाँ बिल्कुल, अंधेरा करने के बाद आप कोशिश कर रहे होंगे तो नो डाउट प्रॉब्लम करेगा, थोड़ी सी लाइट तो उसको चाहिए, क्योंकि जितना फास्ट फोकस, क्योंकि इसका रीजन भी आनंद भी है, क्योंकि मैं उस समय जिस लेंस को यूज कर रहा था जी वो जी मेरा ऑल टाइम फेवरेट लेंस है आनंद भैया, 50mm 1.4। ओहो तो 50mm 1.4 को देखा है आपने कि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश लेंस। बिल्कुल इसके पहले मैंने जो 50mm यूज किए हैं, किसी का भी डायमीटर 77mm नहीं मिला, और अगर डायमीटर रहा भी है तो सिर्फ फिल्टर साइज है, ना कि लेंस का साइज। अंदर जाके देखेंगे तो लेंस का साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसका जो 50mm 1.4 है, बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत। स्टाइलिंग की बात करूं तो पैनासोनिक, बार बार मैं बात करता हूँ स्टाइलिंग को लेकर के, क्योंकि फोटोग्राफर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो नॉर्मल को भी बहुत ही खूबसूरत बना देता है, और पैनासोनिक ने उनके इक्विपमेंट को भी उतना ही स्टाइलिश बनाया कि अगर मैं इसकी फोकस रिंग को देखूं, इसको ऑटो और मैनुअल पे जब मुझे शिफ्ट करना है तो मैं सिर्फ फोकस रिंग को ही स्लाइड करके शिफ्ट कर लेता हूं, जिससे मेरा टाइम और मेरी एक्यूरेसी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ये सिने सीरीज का लेंस है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो एपर्चर है वो मैनुअल एपर्चर भी है, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश लगता है, तो पता नहीं क्यों बार बार मेरे हाथ में ये लेंस अपने आप आ ही जाता है। इसकी खूबसूरती अपने आप में बेहतरीन है। देखने में भी खूबसूरत है और काम में भी खूबसूरत ही काम देता है ना ये अरे तो। नो डाउट आनंद भैया, मैंने इसको जब इतनी कम लाइट पर फोकस किया तो मुझे उस समय तो भरोसा था पूरा का पूरा कि फोकस नहीं ही करेगा, बट हाँ इसने उन चीजों पे लाके रख दिया कि बिल्कुल होगा फोकस आपका कैमरा। अभी सर का जो सवाल था, सर है कहाँ से वैसे? नीरज भाई? आशीष सिंह जी हाँ नहीं, हम उनसे पर्सनल चैट पर बात कर लेंगे, अभी आशीष सिंह जी की अच्छा लोकेशन नहीं आइडिया। आशीष सिंह जी बिल्कुल, आप मुझे इनबॉक्स पे मैसेज डाल दीजिएगा आपकी लोकेशन और ये सारी चीजें, और मैं चाहूंगा अगर आप इंदौर आ सकते हैं तो आपका स्वागत है मेरे और पास। ग्वालियर में होंगे तो ग्वालियर में हर जगह मतलब डेमो मिल सकता है। बिल्कुल, आपको MP में ऑलमोस्ट सारी लोकेशंस पर जो हमारे स्टोर्स हैं वो उन जगहों पर आपको ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, भोपाल, छतरपुर छतरपुर, इंदौर,
ये सारी जगह एमपी की ऑलमोस्ट हमने सभी लोकेशन आई थिंक आनंद कवर कर ली है, बिल्कुल बिल्कुल तो इन सभी जगहों पर आपको कैमरे और डेमो पीस मिल जाएगा। तो आप कंपेयर आप खुद करें और खुद फील करें। और हाँ, कंपेयर करने का एक खूबसूरत सा तरीका बताता हूँ आनंद भैया, कि कई बार लोग कंपेयर करते हैं अलग अलग जगह जा करके, पहले मॉडल को दूसरी जगह यूज़ किया और दूसरे मॉडल को दूसरी जगह, तो जबकि कायदे से ऐसे कंपेयर हो नहीं पाता। तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सजेशन दूंगा दोनों कैमरों को एक साथ एक ही जगह पर एक ही लाइट कंडीशन पर रखिए बिल्कुल और तब कोशिश कीजिए, तब आपको फर्क दिखेगा कि क्या वास्तव में फर्क है। तो बिल्कुल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं बात करूं आनंद भाई कि ल्यूमिक्स ही क्यों, तो ल्यूमिक्स की 4 से 5 पॉइंट इतने खूबसूरत हैं जो सबके लिए काम के होंगे। पहली चीज, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 6K विथ 14+ डायनेमिक रेंज। जो थोड़े से एमेच्योर मतलब बिगिनर हैं, जिनको जो सिनेमैटिक अभी अभी स्टार्ट किया है, जिनके पास गिम्बल नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ है वो है इसका 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजर। और जो सोशल मीडिया एडिक्टेड हैं उनके लिए इसका फिल्टर। और जो लोग फीलिंग के साथ काम करना चाहते हैं, जो अभी अभी DSLR चला रहे हैं और अब अपना कैमरा मिररलेस पे अपडेट करना चाहते हैं, तो निसंदेह कि एस सीरीज उनको निराश नहीं करेगी, वो फीलिंग से भी कॉन्फिडेंस से भी। क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत ही छोटा कैमरा लेके जब आप क्लाइंट के सामने पहुंचते हैं तो क्लाइंट भी सोचता है ये क्या लेके आ गया भैया, और हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैक करता ही करता है। तो जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो हम फीलिंग्स भी अच्छी आती हैं। तो ल्यूमिक्स से जुड़ने के लिए ये सारी चीज़ों पे, और नो डाउट हाई रेजोल्यूशन मोड बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है। और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आनंद भैया जो बार बार मैं यूज़ करता हूँ, कि ल्यूमिक्स इकलौता कैमरा है जिसमें पोस्ट फोकस जैसा फीचर मिलता है। मैं सब्जेक्ट की फोटो अभी शूट कर लेता हूँ, फोकस एरिया में बाद में डिसाइड करूँगा जब मेरी मर्जी बिल्कुल होगी तब। तो बहुत ही खूबसूरत। और हाँ, इसका साइलेंट मोड, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं या ऐसे जगह शूट कर रहे हैं जहाँ पर लोगों को बिना डिस्टर्ब किए या बिना किसी को परेशान किए शटर की खचखच की स्पीड से, प्रॉपर साइलेंट मोड पर जाके ल्यूमिक्स का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो जर्नलिस्ट हैं उनको कई बार बहुत सारे शॉट करने पड़ते हैं और कई जगह ऐसा होता है कि साइलेंट प्लीज। तो डेफिनेटली जो DSLR वाले होंगे उनको कैमरा बंद करना पड़ेगा, बट जो ल्यूमिक्स के यूजर होंगे उन्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होगी। और सुपर हाई लेवल जूम के साथ वाइड एंगल और साथ ही टेलीफोटो लेंसेस दोनों उनको उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्कुल और अच्छी नीरज चीज़, जी नीरज भाई, बीच में रुकना चाहूंगा। अभी कुछ लोगों का यह है कि दिमाग में या मन में संशय है कुछ फोटोग्राफर्स के, कि जी जी बाकी ब्रांड के लिए तो स्पीड लाइट्स नई तरह की आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी की हैं, तो हमारे लूमेक्स के लिए, मेरा मेरे को तो मालूम है कि हैं, तो आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनिल भैया, अच्छी चीज़ ये है कि जो कंफर्टेबल ब्रांड है, जैसे मैं बात करूँ गोडेक्स की, अभी मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ गोडेक्स की V1 जो पैनासोनिक माउंट के लिए उपलब्ध है हमारे पास। अच्छा, इसके साथ ही जो नॉर्मल फ्लैशेस हैं वो भी बिल्कुल आप गोडेक्स की यूज कर सकते हैं। मैं एलिन क्रोम का जो मेरे पास नॉर्मल ट्रिगर है मैं उसके साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी इशू नहीं आ रहा है। मैं गोडेक्स की AD600 जो उसका XT2 ट्रिगर है, X2 ट्रिगर, वो उस यूज़ कर रहा हूँ पैनासोनिक माउंट के लिए, बिल्कुल उपलब्ध है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे स्पेशली पैनासोनिक के ही फ्लैश यूज़ करने पड़ेंगे। मैं चाहूँ तो बिल्कुल गोडेक्स जैसे ब्रांड को यूज कर सकता हूँ। एक और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है मेरे पास, एनामॉर्फिक क्या है? एनामॉर्फिक जस्ट एक रेशियो है जो अब सिनेमैटिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो बहुत ही वाइड एंगल के लिए हम काम करते हैं। रविंद्र पटेल जी का क्वेश्चन है अनंत भैया, रविंद्र भाई सर एस सीरीज के बारे में बताइए कुछ नया। एस सीरीज पूरा का पूरा नया ही है, इसमें पुरानी जितनी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों के साथ साथ
मैंने आपको जो चार से पांच चीजें बताई, सबसे खूबसूरत चीज कि इसकी डायनेमिक रेंज, दूसरी चीज इसका लॉग, तीसरी चीज कि इसका स्टेबलाइजर, और चौथी चीज जो इसके साथ 24-105 जो लेंस है, उस लेंस का मैक्रो लेंस होना, मींस एक लेंस से आप चाहे तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। स्पेशली जैसे मैं वेडिंग की बात करूं या प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात करूं, मुझे सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज जाना पड़ता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एस सीरीज से संभव है। मैं ल्यूमिक्स की अगर जीएच सीरीज पे जाता हूँ आनंद भाई, तो मुझे, हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे मैक्रो लेंस भी खरीदना पड़ेगा। बट आप अगर ल्यूमिक्स एस सीरीज लेते हैं तो बिल्कुल आपको मैक्रो लेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, डायनेमिक रेंज, स्टेबलाइजर, फिल्टर, और साथ ही इसके मैक्रो लेंस। तो अब इतनी सारी नई चीजों के साथ और आपकी क्रिएटिविटी, और सबसे अच्छी चीज जो है इसका साइज, जो मुझे कॉन्फिडेंस देता है। और एक चीज और इन्होंने ध्यान दिया आनंद भैया, कि इसका साइज इतना ज्यादा हैवी भी नहीं कर दिया कि गिम्बल वगैरह पे लगाने में कोई प्रॉब्लम आए। अगर जैसे जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं या डीओपीज हैं, वो बिना गिम्बल के काम नहीं करते हैं, तो बिल्कुल इसके लिए बहुत हाई एंड गिम्बल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे गिम्बल जो तीन तीन साढ़े तीन 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 3.5 किलो का वजन उठा सकते हैं, डेफिनेटली उस गिम्बल के थ्रू आप काम काम कर कर सकते सकते हैं। हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी से। हाँ, निसंदेह कि इसके ऑप्शंस इतने खूबसूरत हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि इसके सारे बटन्स इन्होंने बाहर कर दिया। पहली बार मैंने अब तक मेरी लाइफ में एक बटन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ जो मिलता है, कि ऑटो फोकस, कंटिन्यूअस मोड और सिंगल, और साथ ही सिंगल मैनुअल फोकस, ये डायरेक्ट आप बटन से शिफ्ट कर सकते हैं। तो अदर किसी कैमरे में अगर आप जाएं, ऑटो टू मैनुअल तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर मैं फोकस के मोड चेंज करना चाहूं कि मैं कंटिन्यूअस चाहता हूं कि सिंगल मोड पर चाहता हूं या डायरेक्ट मैनुअल फोकस पे, तो आप बॉडी में बाहर ऑप्शन देके रखा है, किसी भी कैमरे में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ लोमैक्स में ल्यूमिक्स पे ही मिलेगा। एस सीरीज के ऐसे। बहुत ही खूबसूरत, और अच्छी चीज ये है आनंद भाई, S1H की अगर मैं बात करूं कि ड्यूअल मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ है। ड्यूअल मेमोरी कार्ड स्लॉट होने से बेनिफिट ये मिल जाता है कि मेरे बैकअप के लिए दूसरा मेमोरी कार्ड उपलब्ध होता है, और मेमोरी कार्ड जो यूज हुआ है वो नॉर्मल मेमोरी कार्ड, SD कार्ड के साथ इन्होंने काम किया, जो कि प्राइस में भी कम और हर जगह आसानी से उपलब्ध है। क्योंकि कुछ कैमरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ XQD या CF एक्सप्रेस कार्ड का ही ऑप्शन दिया है, तो वो बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ा चैलेंज हो जाता है कि एक नॉर्मल फोटोग्राफर के लिए, क्योंकि पैसा अपनी जगह पर है बट इन कार्ड की अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। बहुत मैटर करती है। तो निसंदेह ये इन चीज़ों को बहुत यूनिक बनाता है कि लोगों की ज़रूरतों को फुलफिल करना और बहुत आसानी से उनके काम आना। तो नीरज भाई, इसमें अपन दोनों को मतलब दो कार्ड लगती है, तो दोनों कार्ड को एक साथ रीड कर सकते हैं, जो भी एक्सपोजिंग कर रहे हैं वो दोनों कार्ड में हो जाए, ऐसा कर सकते बिल्कुल हैं, कर या जो सकते हैं, भी इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप चाहे एक साथ तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों पे डेटा, सेम डेटा आए, बैकअप बना बिल्कुल सकते हैं, और चाहे तो एक पे फोटो रखें, एक पर वीडियो रखें, और चाहे तो आप एक पर जेपैग रखें, एक पर रॉ रखें, वो सारे ऑप्शन अवेलेबल बहुत हैं। बढ़िया। तो इजी वे में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट चाहता है कि उसे फटाफट डेटा चाहिए, तो हमने क्लाइंट के लिए जेपैग शूट कर लिया, अपने लिए रॉ शूट कर लिया, बिल्कुल हमने दोनों जगह जेपैग और रॉ रखा, एक बैकअप कार्ड रखा, एक अपने लिए रखा, तो मुझे कॉपी पेस्ट करने की प्रॉब्लम नहीं नहीं होती है, गए। फटाफट मैं डायरेक्ट क्लाइंट को या अपने यूजर को दे सकता हूँ। तो बिल्कुल डेफिनेटली, तो आई थिंक आज का सेशन आनंद भाई, आपका बहुत सारे खूबसूरत क्वेश्चंस के साथ आपने हमारा समय दिया, और आई थिंक लोगों के जो क्वेश्चन थे वो सारे आप ही लेके आ गए, लोगों की बिल्कुल ज़रूरतों बिल्कुल को फुलफिल करते हुए। तो बिल्कुल, इसको अभी हम 2 मिनट 3 मिनट और रह सकते हैं आनंद भैया। बस नीरज भाई, बस इसके पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा लोगों को, पैनासोनिक एलुमेक्स यूजर्स जो भी हैं और जो बनने वाले हैं, जी, तो हम लोग अभी तो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन ही दिखा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, जी 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 प्रोडक्ट जी के बारे में बता पा रहे हैं, जी 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 लेकिन जब भी लॉकडाउन खुलेगा, सामान्य स्थितियां होंगी, जी तो
हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में, जी हम लाइव सेशन तो क्या है, मतलब रियल वर्कशॉप करेंगे। रियल वर्कशॉप करेंगे, लोगों जी के साथ लाइव कैमरे के साथ उपलब्ध होंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। जी 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 और वहाँ पे फील के साथ लोगों को फीचर दिखाएंगे, बिल्कुल और ताकि लोग छू करके, काम करके, देख के समझ सकें कि हम जो कह रहे हैं कहीं गलत तो नहीं है, और कंपेयर कर पाएं दूसरे और ब्रांड उनकी जो के भी साथ, समस्याएं होंगी वो हम वहां कर पूरी पाएंगे। करें। बिल्कुल रविंद्र भाई का बिल्कुल एक क्वेश्चन और है जी कि कैनन 5D Mark IV 6D Mark II है, मुझे मिररलेस में लेंसेस का क्या मार्केट में मिले? बिल्कुल रविंद्र भाई, मिररलेस के सारे लेंसेस अवेलेबल हैं जो भी आपको चाहिए। मेरे पास खुद ही 24-105 पहला लेंस, दूसरा लेंस 50mm 1.4, तीसरा लेंस 16-35 देख पा रहे हैं आप, और 7200 2.8, और 7200 F4 भी अवेलेबल है, 2470 भी उपलब्ध है 2.8 के साथ। तो ऑलमोस्ट जितनी लेंसेज की ज़रूरत है वो सारी की सारी हमारे पास उपलब्ध है। और साथ ही आपके पास जो एग्जिस्टिंग लेंसेस हैं उनको भी आप सिग्मा के एडाप्टर के साथ उनका भी उपयोग कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बिल्कुल आनंद भैया, और हमारे साथ मनीष भटनागर जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष भैया देवास से नमस्कार, देवास से। मनीष भाई बोल नमस्कार, मनीष भाई नमस्कार। बिल्कुल आनंद भैया, और मिलते हैं फिर इसी क्रम में, और कल भी हम लोग आपको इसी समय मिलेंगे 4 बजे से, और कल का सेशन भी बहुत ही खूबसूरत होगा। तो इसी क्रम को यहाँ पर विराम देता हूँ आनंद भैया, अगले सेशन के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भैया, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।